नमस्कार, मैं सुनीता अपने चेन्नई जी किचन रेस्ते में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्याज के पराठे की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे अचार के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, सुबह के नाश्ते में खाओ तो ये बहुत ही सबको पसंद आएगा। अगर आपने इस तरह से एक बार सबको पराठे बना के खिला दिए तो सारे हमेशा इसी तरह से पराठे बनवा के खाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। प्याज के पराठे बनाने के लिए हमने ये छोटी साइज की प्याज थी, इसलिए हमने 6 प्याज ली है। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और उन प्याजों को हमने बिल्कुल पतला पतला काटा है, आप देख सकते हैं। और फिर काटने के बाद इस तरह से सबको अलग कर लिया है। इस तरह से सबके सारे लच्छे हमें अलग कर लेने हैं। साथ में लिए हमने 2 हरी मिर्च, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। बाकी मसाले हम आपको बनाते समय दिखाएंगे। यहाँ हमने फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम सबसे पहले डालेंगे हींग, साथ में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे 1 चम्मच धनिया, जिसको हमने थोड़ा सा कूट लिया था। 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ। हमारा सब धनिया सब भुन गया है, अब डाल देंगे प्याज, इसको हमने स्लाइसों में पतला पतला काटा है। इनको हम चला लेते हैं। साथ में हरी मिर्ची डाल देंगे, जो हमने बारीक बारीक काट के रखे थे। अब इनको भून लेंगे। हमें ज़्यादा प्याज को भूनना नहीं है, इसको लाल नहीं करनी है और थोड़ा ही इसको भूनना है, जो सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी प्याज। बस इतना ही हमने अपने प्याज को भूनना है। यह हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इनको मिक्स कर देंगे। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, चटपटा सा स्वाद आएगा तो हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मसाला हमारा जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, सिर्फ 1 से 2 चम्मच, छोटा चम्मच, और इसको भून लेते हैं। यह हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। इसमें हम 4 से 5 चम्मच बेसन के डाल देंगे। यह हमने 4 चम्मच बेसन डाला है। अब बेसन को भी हम भून लेंगे। बेसन को भी हमें अच्छे से भूनना है, जिससे कि इसका कच्चापन ना आए खाते समय। धीमी आंच पर ही हम अपने इसको भून लेंगे। यह हमारे बेसन को भी भूनते हुए 2 मिनट हो गए, हमारा बेसन भी अच्छे से भून गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, जब तक हम अपना आटा लगा लेते हैं। यहाँ हमने 1 कप आटा ले लिया है। आटे में डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच डालेंगे घी। घी अगर आप नहीं डालना चाहते तो नॉर्मल आटा भी बना सकते हैं बिना घी के। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे हम इसका।
ये हमने आटा लगा लिया, अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। यहाँ हमारे आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा आटा अच्छे से लग गया है, ना टाइट है ना ही ज़्यादा लूज। ये देखो कितना अच्छा हो गया है ना आटा। इसको बस थोड़ा सा मसल लेना है, ये आटा हमारा तैयार हो जाएगा। इधर हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, अब चलते हैं पराठा बना लेते हैं। हम पहले एक लोई तोड़ लेंगे और उसका एक पेड़ा बना लेंगे। आज मैं आपको 3 तरह के पराठे बताऊंगी, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। सबसे पहले मैं चौकोर शेप का पराठा बनाऊंगी। सूखा आटा लगा के अच्छे से बेल लेंगे। हमने एक नॉर्मल रोटी के साइज की बेल ली है, अब हम इसमें अपने प्याज वाली स्टफिंग भरेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से पराठे बनाओगे ना तो आपके कभी फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे खाने में। तो ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। ये हमने एक पराठा बनाकर तैयार कर लिया, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको दूसरा बताती हूँ। इसे एक लोई लेंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हमें एक कटोरी की शेप देनी है इसको और अपनी स्टफिंग को भरना है इसमें। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। फिर से सूखा आटा लेंगे, पहले हम हाथ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। सूखा आटा डालकर इसको हल्के हाथों से बेल लेते हैं। यह हमारा दूसरा भी पराठा बनकर तैयार हो गया, इसको भी हम प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से हम तीसरा बनाते हैं, इसको बेल लेते हैं पहले।
अब हम इसमें प्याज की स्टफिंग भरेंगे। अब हम इसको इस तरह से बंद करेंगे। थोड़ा सा चकले पे सूखा आटा लगाएंगे। और हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। ये हमारे तीनों पराठे बनकर तैयार हो गए। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। यहाँ हमने गैस पर तवा रखा है, तवा हमारा गर्म हो गया। हमें मीडियम आंच पर ही अपने पराठों को सेकना है। पहले थोड़ा सा इस पर हम ऑयल लगा देते हैं। अब हम इस पर अपना पराठा डालेंगे। हम मीडियम आंच पर ही हमें अपने पराठों को सेकना है अच्छे से। जब ये नीचे से थोड़ा सा सिक जाए तब हम इसको पलट देंगे। अब हम इस पर ऑयल लगा देते हैं। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे। अब हम इस पराठे को पलट लेते हैं और इस साइड भी ऑयल लगा देते हैं। हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं जिससे कि हमारे ये कोने भी अच्छे से सिक जाएं। इसको हम पलट देते हैं। यह हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है साथ में। अब इसी तरह से हम दूसरा भी बनाते हैं। इसको पहले नीचे से थोड़ा सिकने देंगे। इसको पलट देंगे हम। इसमें भी हम ऊपर से ऑयल लगा देते हैं। जब नीचे से सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और इस साइड भी हम ऑयल लगा देंगे। इन पराठों को हम मीडियम आंच पर ही सेकेंगे तभी ये अच्छे से सिक सकेंगे। इसको हम पलट देते हैं। ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से हम अपना तीसरा पराठा भी सेक लेंगे। ये नीचे से सेक गया, इसको पलट लेंगे। यहाँ पे घी लगा देंगे। आप इसे पलट लेंगे। इसे पलट लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करके सेक लेंगे नीचे से। ये हमारा पराठा बन गया। इसको भी उतार लेते हैं। ये हमारे तीनों पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारे तीनों पराठे बनकर
तैयार हो गए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए। आप देख सकते हैं सभी पराठे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखो कितना सॉफ्ट है कि ये टूट भी गया है।